हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो गया शाम का टाइम और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, बाबू ने तो अपने सोने के लिए ठिकाना भी ढूंढ लिया है। तो बाबू यहाँ पर फ़ोन देख रहा था और फ़ोन देखते देखते नीचे ज़मीन में ही सो गया। तो उसको ज़मीन में बड़ा अच्छा नींद आ रहा है और नमन भी उसका मतलब ऐसे थप्पड़ मार के जगा रहा, लेकिन वो जग नहीं रहा था। उसको बहुत गहरा नींद आया ज़मीन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़मीन में थोड़ा अच्छा लगता है सोने में। तो बाबू तो सो गया ज़मीन में, फिर मैंने उसको सुला दिया बेड पर, क्योंकि ज़मीन में सोता हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था वो। फिर मैंने उसको बेड पर सुला के आ गई और अब हो गया है मतलब खाने का टाइम। अभी खाने का टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैं कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी। तो इधर आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो इधर मैंने मसाले को भून लेती हूँ, क्योंकि मसाले मैंने पहले ही पीस के रख लिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बीच बीच में काम भी करते रहो और कूलर के पास भी जाना पड़ता है बस बार बार। तो इधर मेरा मसाला भी लगभग भुनने पे आ गया, तो मैंने तब तक पनीर काट लिया। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर और मटर की सब्ज़ी, मटर पनीर, क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था। तो मुझे तो मटर पनीर भी पसंद है, वैसे मुझे तो सारी सब्ज़ियाँ ही पसंद हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने मटर पनीर नहीं बनाया, तो सोचा आज बना लेती हूँ। तो ये हम लोग लाए थे मार्केट से सफल मटर, क्योंकि अब ग्रीन मटर तो मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, अब तो सफल मटर ही आ रहा है। तो मार्केट से लेके आए थे हम लोग सफल मटर, तो इसको ही मैं निकाल लिया फ्रीजर से, क्योंकि एकदम बर्फ़ सा जम जाता है उसमें अंदर। तो मैंने उसको पहले ही निकाल के रख दिया था, ताकि जो भी पानी वगैरह है मतलब बर्फ़ है वो पिघल जाए। तो वो अच्छे से पिघल गई है बर्फ़, मैंने उसको सुबह ही निकाल के रख दिया था इसी वजह से। तो जो भी सारी मटर है मैं उसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, तो निकाल के रख लेती हूँ। वैसे यहाँ पे मटर अच्छा भी नहीं आता है, मुझे तो यहाँ का मटर सफल मटर तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से जो ग्रीन वाला मटर लेते हैं उसमें इतने दाने नहीं निकलते, इतने छिलके निकलते हैं। तो इधर ये इस वजह से सफल मटर और लेके आए। वैसे भी अब तो मटर का टाइम ही नहीं है, तो मटर चल ही नहीं रहा है, तो मतलब ये तो ठंडियों की चीज़ होती है, तो ये ठंडियों में ही चलती है। तो इधर मेरा मसाला भी भुन गया, भुनने पर होने ही वाला है। और इधर मैंने पनीर भी कट करके रख दिया है और मटर भी निकाल लिया है। तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ़, क्योंकि बीच बीच में ऐसे सारे काम करते रहते हैं तो अच्छा रहता है और जल्दी भी हो जाता है। तो मेरे थोड़े से बर्तन निकले थे, मतलब मसाला वगैरह मैंने पीसा था, तो उन सबको साफ़ करके रख देती हूँ, फिर और बाकी के निकलेंगे उनको बाद में कर लूँगी, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर मन ही नहीं करता। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई इधर बेडरूम में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हम लोगों की चल रही है शॉपिंग, क्योंकि कुछ स्पेशल आने, और इसके साथ मेरे पास ब्लैक लेगी भी था और दुपट्टा भी था। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कुर्ती लूँगी लेगी के लिए, तो आज मैंने ले ली, मुझे अच्छी लगी कुर्ती भी अच्छी है। इस पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब स्टोन टाइप में लगे हुए हैं शीशे, और एकदम धागे से लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं लग रहे हैं, तो अच्छी लग रही है मेरी कुर्ती। और इसमें क्या है आने वाला है, तो ये नमन के लिए बलून वगैरह लिए हैं, ये झालर है, देखो गिर ना जाए उसको, स्लीपर लेके उससे। ये सारा नमन के बर्थडे का सामान है, और दो कैप लिया है, एक बाबू के लिए एक नमन के लिए। अच्छा ऐसा वाला कैप लिया है, एक बाबू के लिए एक नमन के लिए लिया है, और एक है स्पाइडरमैन वाला, और इस पे तो हैप्पी बर्थडे भी पड़ा है। और देखिए बाबू के लिए सूज मंगाया ऑनलाइन, अच्छा है मतलब इसमें लाइट भी चलता है, अच्छा सूज आया बाबू के लिए। तो सबका चल रहा है शॉपिंग, तो ये बाबू के लिए मैंने सूज मंगाया है, अपने लिए ये स्लीपर मंगाया है, ये भी ऑनलाइन मंगाया है। तो ये वाला स्लीपर मंगाया मैंने अपने लिए ऑनलाइन,
अच्छा निकला ये भी, इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा सही लगा तो फिर मैंने मंगा लिया। पहले मैंने और वाली डिजाइन भी मंगाया था, वो डिजाइन मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर ये वाली डिजाइन मंगाया तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और इसमें है नमन का ड्रेस, तो नमन का ड्रेस आप सबको उसी दिन पता चलेगा नमन का ड्रेस कैसा है, अभी नहीं दिखा रही, तभी दिखाऊंगी। तो ये भी ऑनलाइन ही मंगाया है और अच्छा आया है, तो आप सबको उसी दिन पता चलेगा ये नमन का ड्रेस कैसा है। तो यही सब था नमन के बर्थडे का शॉपिंग जो हम लोगों ने कर लिया है। शॉपिंग तो पूरा हो गया, बस बर्थडे का इंतज़ार है। तो अभी नमन का बर्थडे भी आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है बर्थडे में, तो शॉपिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो वही है भूल भी जाते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सारा शॉपिंग हो गया। बाबू को देखिए, मेरी स्लीपर के ही पीछे पड़ गया, उसको पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है, उनको पहन के घूमने में लगा हुआ। घूम के आते हैं बाहर, कर लेते हैं चेंज, बस चेंज ही करना है। और बाबू को देखिए ऐसे ही घूम रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। गुल्लू गुल्लू कैसे करता बाबू, गुल्लू गुल्लू हेलो कर दो, हेलो। तो अब मैं कर लेती हूँ बाबू को रेडी, और नमन भी घूम रहा है, नमन तो फुटबॉल खेलने में लगा हुआ है घर पे, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। मैं बाहर आने के बाद लगाया मैंने दीपक और फिर कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है, बाहर से आने का मन ही नहीं करता है, बस बाहर ही रहो। लेकिन खाना ना तो बनाना पड़ेगा, खाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो इधर मैं अब बना लेती हूँ पूड़ी, तो आज मैं बनाऊंगी पूड़ी, क्योंकि पनीर की सब्जी के साथ पूड़ी ही अच्छी लगती है, वैसे रोटी भी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आज पूड़ी ही बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पूड़ी, और मैं बस थ्रेडिंग बनवाने गई थी बाहर, और थ्रेडिंग भी बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो उसको आज मैं बनवाने गई थी, क्योंकि नमन का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा आज ही बनवा लेती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिल गया था, तो मैं आज ही चली गई, नहीं तो कल जाती। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। घूमने जाने से पहले तैयारी तो मैं करके गई थी, बस मुझे पूड़ियाँ बनाना था, तो वही मैं बना रही हूँ। तो इधर मैं पूड़ियाँ पहले गाय के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज मंडे है तो इनका फास्ट था, तो मैंने सोचा पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ। तो पहले मैंने 2 पूड़ी गाय के लिए निकाल ली हैं, और थोड़ा टाइम भी मतलब लगता है पूड़ियाँ वगैरह बनाने में, तो मैंने सोचा पहले बना के रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है। अभी बच्चे वैसे आए नहीं हैं नीचे से खेल के, तो पहले मैं ही आ गई, तब तक मैं पूड़ी बनाऊँगी, और बच्चे अभी नीचे खेल रहे हैं, तब तक बना के रख लेती हूँ, क्योंकि घूम के आने के बाद बच्चे इतना खेलते हैं तो फिर उनको भूख भी लग जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं ही चले जाती हूँ, और बच्चे उनके पापा जी देख रहे हैं नीचे, तो मैं आ गई, मैंने बस दीपक लगाया और फिर सीधा किचन में आ गई। और किचन में मतलब मैंने गाय के लिए भी पूड़ी निकाल दी हैं, पहले गाय के लिए निकाली, जो भी मेरी सारी पूड़ियाँ हैं मैं उनको बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, मतलब ऑयल वगैरह ना रहे तो इस वजह से मैं थोड़ा ऑयल को मतलब ऐसे झाड़ लेती हूँ, ताकि पूड़ियों में ऑयल ना रहे, क्योंकि अच्छी नहीं लगती। और इधर बच्चे भी आ गए घूम के, फिर मैंने उनके लिए लगा दिया प्लेट खाने के लिए, तो इधर हो गई मेरी खाने की प्लेट रेडी। तो बच्चे तो मतलब इतना गर्मी हो रहा था, आके सारे कपड़े निकाल दिए बच्चों के, क्योंकि बाबू तो मिट्टी का भी हो जाता है नीचे। तो इधर बाबू बैठ गया खाने के लिए, और मुझे इतना गर्मी लग रहा है, तो पहले मैं ले लेती हूँ हवा। और खाना खाने के बाद फिर हो गया था नाइट, लगभग 10 बज गया, फिर हम नाइट में बच्चों को थोड़ी देर पार्क में लेके आए खेलने के लिए, क्योंकि इतना गर्मी हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर शाम को भी आ जाते हैं वॉकिंग करने के लिए खाना खाने के बाद। तो इधर दोनों बच्चे लगे हुए हैं अपना फुटबॉल खेलने में, और इधर मैं थोड़ी देर झूल लेती हूँ झूला, क्योंकि बहुत अच्छा हवा चल रहा था, यहाँ पर जाने का मन ही नहीं करता है पार्क से। तो इधर मैं आती हूँ, मतलब पार्क में कभी भी आऊँ तो झूला जरूर झूल के जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है झूला झूलने में। तो इधर बच्चे अभी खेलने में लगे हुए हैं, उनका जाने का मन ही नहीं है। और यही है मेरा आज का ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।